सबसे पहले आपको निकालना है रिएक्शन R1 एंड R2, ठीक है। इसके लिए अपन लोग बेसिक इक्वेशंस लगाएंगे अपनी इक्विलिब्रियम की, क्या होती है, जो समीशन V इज इक्वल टू जीरो, समीशन H इज इक्वल टू जीरो और समीशन M इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल इसमें नहीं लगा रहे हैं क्योंकि कोई भी रिएक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल वाली लगाएंगे। वर्टिकल वाली इक्वेशन जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2.5, ठीक है, एक इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, ए के अबाउट मोमेंट ले लेंगे। ए के अबाउट मोमेंट लेने के लिए हमको इस वाले फोर्स का ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इस वाले फोर्स का ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए और इस वाले फोर्स का ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो हमारे पास इस वाले फोर्स का ऑलरेडी है, दैट इज 12। इसका और इसका हम लोगों ने बेसिक ज्योमेट्री से निकाला है सॉल्व करके, ये वाली वैल्यू और ए डैश की वैल्यू, ज्योमेट्री लगाई है, इसमें कोई मैकेनिक्स नहीं है, ठीक है। वो आने के बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन लगाओगे आप मोमेंट की, R2 इंटू ये डिस्टेंस माइनस 2.5 इंटू 2.5 का ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस 5 इंटू ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 किलो न्यूटन का, ठीक है। इक्वेशन लगाई, वहां से आपको R2 की वैल्यू मिली। R2 की वैल्यू उठा के आपने R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 7.5 वाली इक्वेशन में रखोगे तो आपको R1 मिल जाएगा, ठीक है। आपको रिएक्शन मिल गई R1 एंड R2। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। नाउ व्हाट इन सेकंड स्टेप वी हैव टू कंसीडर द जॉइंट्स, ओके, बिकॉज वी आर सॉल्विंग इट विद द मेथड ऑफ जॉइंट्स। मेथड ऑफ जॉइंट्स में व्हाट वी डू इज वी कंसीडर वन जॉइंट एट अ टाइम। Joint A we are considering. So when we consider joint A, we just draw all the forces in the members connected to joint A. हम A से connect होने वाले हर एक member पर एक force consider करेंगे। और हमारा aim क्या है? उस force को निकालना। इस member पे कितना force लग रहा है? मैंने joint A से कितने members जा रहे हैं? दो members, एक B की तरफ और एक C की तरफ। बी वाले पे मैंने फोर्स कंसीडर किया पी ए बी एंड ई वाले पे मैंने फोर्स कंसीडर किया पी ए ई। दोनों फोर्सेस मैंने टेंसाइल एज्यूम किए हैं। टेंसाइल मतलब वो ए से दूर जा रहे हैं, ए को पुल कर रहे हैं, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री गिवन है। 30 डिग्री अगर गिवन है, पी ए बी इंक्लाइन फोर्स है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्लाइन फोर्सेस के कॉम्पोनेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिकल वाला, हो गया पी ए बी साइन 30 और जो एंगल के साथ होता है वो हो जाता है कॉस थीटा, पी ए बी कॉस 30 हो गया। अब मैंने जॉइंट ए पर क्या किया, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाए, समीशन वी इज इक्वल टू जीरो लगाया, क्या आया पी ए बी साइन 30, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनको सम किया, पी ए बी साइन 30 अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड में पॉजिटिव लेते हैं, अपवर्ड जा रहा है तो पी ए बी साइन 30, 3.75 भी ऊपर की तरफ जा रहा है वो भी प्लस हो गया, इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व किया तो पी ए बी की इक्वेशन आई -7.5। माइनस है इसका मतलब हमने जो साइन लिया है फोर्स का नेचर उसके ऑपोजिट है। हमने टेंसाइल एज्यूम करके उसको पॉजिटिव लिया था, बट दैट इज एक्चुअली कंप्रेसिव। हम क्या करेंगे, पी ए बी इज इक्वल टू पी बी ए इज इक्वल टू 7.5 किलो न्यूटन, बट इट इज कंप्रेसिव इन नेचर। इसी तरीके से हम हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लगाएंगे, समीशन एच इज इक्वल टू जीरो, पी ए बी टुवर्ड्स राइट, अगर आपके फोर्स जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो टुवर्ड्स राइट अगर जा रहा है तो पी ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस पी ए ई, कॉस थीटा इज कॉस 30, पी ए ई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमको पी ए ई की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आएगी 6.495। ये होगा, ये चूंकि पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब है जो हमने साइन अज्यूम किया है वही साइन, वही नेचर का फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है, ठीक है। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट देखे, चलिए वी विल सी द नेक्स्ट वन। सो अब
what we have to do is we have to consider some other joint. So now I am considering joint B. So from diagram we will draw joint B. Joint B को बनाने के बाद हम क्या करेंगे? सारे forces, सारे members के forces assume करेंगे. Because we are considering tensile forces, so every force will be going away from the joint because we have assumed all the forces in the members are tensile in nature. Okay. Tensile forces assume करने के बाद हमने सारे forces के signs बनाए and फिर हम क्या करेंगे? अब इसमें inclined force कौन सा है? Only 5 kN. ये already B पर external loading है जो कि given है आपको. 5 kN आपका load लग रहा है. इसको हम लोग क्या करेंगे? Component लेंगे 5 sin 60, 5 cos 60. ठीक है? 5 sin 60 आ जाएगा ये, 5 cos 60 आ जाएगा ये. जब आपने component लिए, उसके बाद आपको क्या करना है? Equations लगानी है. हम पहले AC के along लगाएंगे. AC member के along लगाई तो क्या आएगा आपका? PBC is equals to I is equals to लिखो या minus लिखो. Right वाले positive, left वाले negative. ठीक है? तो इसी equation को मैं ये भी लिख सकती थी. क्या लिख सकती थी? PBC minus PBA minus 5 cos 60. ठीक है? Is equals to zero. ये भी लिख सकती हूँ. ये एक ही बात है. ये इक्वेशन दिस इज वन एंड द सेम थिंग. उसके बाद मैंने उसको उधर पहुंचा दिया इसलिए वो दोनों पॉजिटिव हो गए. ठीक है? इस इक्वेशन को सॉल्व किया. इसमें हमारे पास पीबीए ऑलरेडी है. हमने पिछली बार ही निकाला जब हमने ज्वाइंट ए को कंसिडर किया था. तो हम ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं. पीबीसी आपका नेगेटिव आया. इसका मतलब आपने जो नेचर लिया है वो ऑपोजिट है फोर्स के. पीबीसी इज इक्वल टू पीसीबी इज इक्वल टू 5 kN. इसी तरीके से हम जब इन वाले फोर्सेस को नॉर्मल टू एसी को कंसीडर करेंगे आपके कौन से फोर्सेस हैं? देखो आपके फोर्सेस है पीबीसी और 5 साइन थीटा. दोनों डाउनवर्ड जा रहे हैं. ठीक है? दोनों एक ही डायरेक्शन में है. मैं दोनों को ऐड कर रही हूँ इज इक्वल टू जीरो कर रही हूँ. पीबीसी की वैल्यू यहां से मुझे मिल जाएगी. ठीक है? मेरे पास कौन से फोर्सेस आ गए? मेरे पास पीबीई आ गया, पीबीसी आ गया, पीबीए आ गया. मुझे आप लोग सो नाउ वी विल कंसीडर जॉइंट ई. जॉइंट ई पर जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं हम उनमें सब में टेंसाइल फोर्सेस एज्यूम करेंगे. टेंसाइल फोर्सेस एज्यूम करने के बाद हम क्या करेंगे? पीईए पीईडी इनकी वैल्यूज हमें पहले सॉल्व करने पर मिल चुकी है. पीईबी और पीईसी इसमें से हमको सिर्फ एक ही अननोन है, दैट इज पीईसी. तो हम क्या करेंगे? समीशन v इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन लगाएंगे. समीशन v pec का हम वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? pec sin 60. peb का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? peb sin 60. यहां आएंगे दोनों. दोनों के डायरेक्शन टेंसाइल होंगे अपवर्ड. दोनों को ऐड करेंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे. इस इक्वेशन में हमारे पास ये है एंड ये है. तो हमको pec की वैल्यू इजीली मिल जाएगी. PEC की वैल्यू आने के बाद PEC की वैल्यू आने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास टेंसाइल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी. नेगेटिव आएगा तो टेंसाइल फोर्स आएगा. सारे आपके मेंबर्स हैं आपके ट्रस्ट के. ठीक है? आपको क्या निकालना है? हर एक मेंबर पे कितना फोर्स लग रहा है. ठीक है? प्लस आपने देखे हैं कहाँ लगे रहते हैं, ये अपन देख चुके हैं. रेलवे स्टेशन पे, ब्रिजेस में, टावर्स में आपको स्टील के ट्रसेस देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है? ट्रस पे ये जो गिवन ट्रस है इसमें एक्सटर्नल लोड कितना लग रहा है? एक 5 kN का और एक 2.5 kN का. ठीक है? दो एक्सटर्नल लोड लग रहे हैं हमको. इसमें ए और डी पे सपोर्ट है. ठीक है? अगर ए और डी पे कोई सपोर्ट है इसका मतलब उस पर कोई ना कोई रिएक्शन आ रही है. ठीक है? रिएक्शन आ रही है मतलब R1 और R2 हमने दो रिएक्शन एज्यूम करी. ठीक है? अब हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी? R1 और R2 की वैल्यू निकालना है. ठीक है?
R1 और R2 की वैल्यू निकालने के लिए हम हमारी बेसिक इक्वेशंस तीन ही है, समीशन V इज इक्वल टू जीरो, समीशन H इज इक्वल टू जीरो एंड समीशन M अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। ओके, समीशन V इज इक्वल टू जीरो लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सारे वर्टिकल फोर्सेस को एड करके जीरो कर देते हैं। सारे वर्टिकल फोर्सेस का मतलब मेरा है चाहे फोर्स अपवर्ड हो चाहे फोर्स डाउनवर्ड हो, हम सबको एड करते हैं और इज इक्वल टू जीरो करते हैं। जो भी फोर्स अपवर्ड जाता है उसके साथ हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं और जो भी फोर्स डाउनवर्ड जाता है उसके साथ हम नेगेटिव फोर्स नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, तो आर वन इक्वेशन क्या बनेगी हमारी यहाँ पे, आर वन क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव है, आर टू ये भी अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव है, माइनस फाइव, फाइव डाउनवर्ड जा रहा है इसलिए नेगेटिव है, माइनस 2.5, 2.5 भी डाउनवर्ड जा रहा है इसलिए नेगेटिव है, इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये आपको ही हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है। ठीक है, तो हम हमारे पास दूसरी इक्वेशन हम नहीं लगा सकते, तीसरी इक्वेशन कौन सी है, समीशन m इज इक्वल टू जीरो। अब m मूवमेंट मूवमेंट निकालने के लिए हमको कौन सी दो चीजों की जरूरत होती है, फोर्स और परपेंडिकुलर, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमारे पास है 5 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, R2 और R1। ठीक है, अब हमको ये पॉइंट कंसीडर करते हैं A, हम क्या करेंगे A के अबाउट मूवमेंट लेंगे। ठीक है, पर अब हमें क्या चाहिए, 5 का A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास है नहीं है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमको, 2.5 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ होगा E डैश। ठीक है, और ये हो जाएगा B डैश, ये दोनों डिस्टेंसेस हमको चाहिए तभी हम मोमेंट की इक्वेशन लगाएंगे। ये दोनों डिस्टेंस हमको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाने से मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, ट्रायंगल ए बी ई को देखो, ट्रायंगल ए बी ई इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ए बी ई में बी डैश लगाओ या ए बी ई भी लगाओ। ठीक है, अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, मैंने इसके सॉल्यूशन में दिया हुआ है, कहां से आपको ए बी डैश की वैल्यू भी मिलेगी और ए ई डैश की वैल्यू कहां से मिलेगी, ट्रायंगल सी ई डी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से आपको इसकी वैल्यू मिलेगी ई ई डैश की, और ई ई डैश में आप अगर ए ई ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ए ई डैश। ठीक है, सॉल्यूशन में आपको ये गिवन है कि ये कैसे निकालनी है वैल्यूज। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसके अबाउट मूवमेंट निकालना है, किसके अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं, ए के अबाउट। ठीक है, एम ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आर वन का ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, जीरो। ठीक है, फाइव, और वो ए की तरफ कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। फाइव अगर ए की तरफ आप घुमाएंगे तो वो डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज, तो वो हो जाएगा नेगेटिव, माइनस फाइव इंटू ए बी डैश का डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये आया है शायद 4.5। ठीक है, माइनस 2.5, ये भी क्या है, क्लॉकवाइज, माइनस 2.5 इंटू 9, ये वाला डिस्टेंस 9 है ए डैश का। ठीक है, ए से लेकर के ई तक का डिस्टेंस 9 आया है, तो इंटू 9 कर दिया। ठीक है, आर टू एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, आर टू इंटू 12। ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी, इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको R2 की वैल्यू मिलेगी, दैट इज 3.75। ठीक, उस R2 को उठा के आप फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देंगे, R1 plus R2 is equal to 7.5 था, वहां पे अपन R2 की वैल्यू रख देंगे तो आपको दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी, R1 और R2। ठीक है, अब आपके पास एक स्टेप आपके सॉल्व हो गए, रिएक्शंस आपने निकाल ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या है, यू हैव टू कंसीडर every joint because we are solving by method of joints। ठीक है,
फ्री टू यूज एनी मेथड, आप फ्री हो, चाहे आप मेथड ऑफ ज्वाइन से करो, चाहे आप मेथड ऑफ सेक्शन से करो, अभी अपन मेथड ऑफ ज्वाइन से करें, ठीक है। मेथड ऑफ ज्वाइंट के लिए अपन क्या करेंगे, हर एक ज्वाइंट को कंसिडर करेंगे। तो अपन सबसे पहले क्या ले रहे हैं, ए ज्वाइंट को। ए ज्वाइंट को अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ए ज्वाइंट को अपन अलग से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अलग से ड्रॉ किया, अब ए पे क्या आ रहा है, एक रिएक्शन लग रही है नीचे से, इसकी वैल्यू आई है 3.75, ठीक है। ए से एक मेंबर बी की तरफ जा रहा है और ए से एक मेंबर ई की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस पे मैंने एक फोर्स एज्यूम कर लिया, इस पे मैंने एक फोर्स एज्यूम किया जो कि है पी ए ई, इस पे मैंने एक फोर्स एज्यूम किया जो कि है पी ए बी, ठीक है। दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन मैंने ए से दूर जाते हुए एज्यूम किए हैं, यानी कि वो दोनों फोर्सेस टेंसाइल है, ठीक। मैंने एज्यूम किया इसका एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब फिर वही करना है, मेरे पास तीन इक्वेशंस हैं, समीशन b is equal to 0, समीशन h is equal to 0 एंड समीशन m is equal to 0, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, समीशन b is equal to 0, b is equal to 0 यानी वर्टिकल फोर्सेस का सम is equal to 0। वर्टिकल फोर्सेस को निकालने के लिए मुझे पहले वर्टिकल फोर्सेस की अगर इक्वेशन लगानी है तो मुझे पहले वर्टिकल फोर्सेस चाहिए। वर्टिकल फोर्सेस यहाँ मेरे पास कौन से है, 3.75। ये भी एक इंक्लाइन फोर्स है, तो मैं क्या करती हूँ, इंक्लाइन फोर्स को सबसे पहले अपन इंक्लाइन फोर्स के कंपोनेंट लेते हैं। अगर इंक्लाइन फोर्स है तो मुझे उसके क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरे पास लोड लग रहा है, ठीक है। ये इंक्लाइंड है तो मुझे क्या करना है, इसको ब्रेक करके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट लेने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, उनको ब्रेक किया, इसको पीएबी को, पीएबी को जब मैं ब्रेक कर रही हूँ तो मुझे एक फोर्स यहाँ आ रहा है पीएबी साइन 30 डिग्री और एक फोर्स मेरा यहाँ आएगा दैट इज पीएबी कॉस 30 डिग्री, ठीक है। वर्टिकल विल बी कॉस, वर्टिकल विल बी साइन 30 एंड हॉरिजॉन्टल विल बी कॉस 30, ठीक। डायरेक्शन क्या होगा, ए से दूर जा रहे हैं तो इन दोनों के भी डायरेक्शन ए से दूर ही जाएंगे। अब मैं क्या करूंगी, समीशन बी इज इक्वल टू जीरो लगाऊंगी। समीशन बी इज इक्वल टू जीरो में क्या होगा, पी ए बी साइन 60, ठीक है, प्लस 3.75, दोनों पॉजिटिव क्योंकि दोनों के फोर्स अपवर्ड जा रहे हैं, दोनों फोर्सेस अपवर्ड जा रहे हैं इसलिए दोनों पॉजिटिव, इज इक्वल्स टू जीरो, और तो कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है तो ये इज इक्वल्स टू जीरो हो गया। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे पी ए बी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। कितनी आ रही है पी ए बी की वैल्यू, माइनस मतलब आपका जो फोर्स है, जो हमने डायरेक्शन ये अज्यूम किया है ना, वो एक्चुअली ऐसा नहीं लग रहा, वो एक्चुअली ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, PAB is equals to PBA, एक मेंबर पे A की फोर्स लग रहा है, ठीक है। जितनी वैल्यू P से A, P फोर्स की A से B पे होगी, उतनी ही वैल्यू B से A की होगी। क्यों, अगर ये इक्वल नहीं हुआ, जस्ट सपोज कोई एक मेंबर है उस पर अलग अलग जॉइंट से अलग अलग फोर्स लग रहा है, तो वो मेंबर स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है, मेंबर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक। अगर ए से ज्यादा लगेगा तो वो ए से उठ जाएगा, अगर बी से ज्यादा लगेगा तो वो बी से उठ जाएगा, बी की तरफ दब सकता है अगर कम लग रहा है। इसलिए फोर्सेस हमेशा किसी भी मेंबर पे बराबर रहेंगे, इसलिए मैं लिख रही हूँ पी ए बी इज इक्वल टू पी बी ए, ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ फोर्स सेम है, कितना है फोर्स 7.5। नेगेटिव का मतलब यह है कि हमने फोर्स को टेंसाइल एज्यूम किया था, पर फोर्स टेंसाइल ना होके क्या है, कंप्रेसिव, ठीक है। आई यहां तक बात समझ में,
सागर, अब आया समझ में तुम्हें? अभिषेक साहू, समझ में आया? दयाराम, तुमने भी डाउट पूछा था, अब आया तुम्हें समझ में? मैंने आप लोगों को बोला था कि कैमरे ऑन करने हैं, बट अभिजीत साहू, अभिजीत दुबे, दयाराम, अंकित कुमार मीना, प्रिया चौहान, दीपक यादव, किसी के कैमरे ऑन नहीं है। आया आप समझ में? बताओ तो, समझ में आया कि नहीं आया? अंकित अंकित कुमार मीना, आया तुम्हें समझ में? आ गया। अब अपन सेकंड स्टेप क्या करेंगे? समिशन बी इज इक्वल टू जीरो लगा दिया। अब ए ज्वाइंट पे आपको क्या लगाना है? समिशन H इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना अपने पास, PAB cos 30 और PAE है। अब हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लगाओ, हॉरिजॉन्टल वाली। जब आप हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन लगाएंगे तो आपको हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, इसका पूरा सॉल्यूशन आपके नोट्स में है, एक बार आप इसको प्लीज करो। Yeah.